अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ट्रेन्स मुख्तलिफ कोचेस पे कंसिस्ट होती हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमी क्लास आ जाती है, उसके बाद पाकिस्तान रेलवेज़ की सबसे लोअर एसी की क्लास एसी स्टैंडर्ड आ जाती है, फिर एसी बिजनेस क्लास आ जाती है, फिर एसी पायलट डिलक्स आ जाती है और फिर एसी स्लीपर आ जाती है। लेकिन एसी स्लीपर से ऊपर भी एक हाई क्लास पाकिस्तान रेलवेज़ की है, जो कि एक प्राइवेट सैलून की कोच होती है। दोस्तों, आप लोगों ने एसी स्टैंडर्ड में या एसी बिजनेस क्लास में तो बारहा सफ़र किया होगा, लेकिन आप में से कुछ ने एसी स्लीपर के भी मज़े लिए होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान रेलवेज़ की सबसे प्रीमियम क्लास यानी कि एसी स्लीपर क्लास का रिव्यू करवाने। और हमारी आज की ट्रेन होगी 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, जो कि लाहौर से कराची के दरमियान चलती है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं CNR एयर कंडीशन स्लीपर के अंदर लेकर चलता हूँ और उसका डिटेल्ड रिव्यू करवाता हूँ। तो दोस्तों, एसी स्लीपर में दो कैबिन्स होते हैं, एक 4 पर्सन कैबिन होता है तो दूसरा 2 पर्सन कैबिन होता है। अगर आप कोच के अंदर इंटर हो रहे हैं तो जो दो साइड्स पे कैबिन होंगे वो 4 पर्सन कैबिन होंगे और जो दरमियान में कैबिन होंगे वो 2 पर्सन कैबिन होंगे। दोस्तों, एसी स्लीपर का कैबिन एक पूरा रूम टाइप कैबिन होता है, जिसमें आपको आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया होती है। यहाँ पर एक लाइट का बटन होता है, चार्जिंग स्विच भी होता है, एसी के साथ फैंस की भी सहूलत मौजूद होती है और सबसे बड़ी सहूलत जो होती है, जो वॉशरूम होता है, वो भी इस रूम के साथ अटैच होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी जेब में पैसे हैं और आप एक आरामदायक और एक तवील सफ़र इंजॉय करना चाहते हैं तो एसी स्लीपर से बढ़ के आपको कोई अच्छी क्लास नहीं मिल सकती। दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर इनके जो बेड्स होते हैं वो एक्सटेंड करके मुकम्मल एक बेड भी बनाया जा सकता है, जो कि आपको ये फील करवाता है कि आप अपने कमरे में लेटे हुए हैं और आपको कोई ज़िंदगी की टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।